हमीरपुर जिले में पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अवैध शस्त्र एवं अवैध शराब बरामदी के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत शनिवार को थाना मझगुआ प्रभारी अखिलेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने अवैध असलाहा बनाने की फैक्ट्री का किया खुलासा। मुखबिर की सूचना पर थाना मझगुआ पुलिस ने गन्ने के खेत में नाकाबंदी कर सभी लोगों को खेत से पकड़ लिया और मौके से कुल 3 12 बोर देसी बंदूकें और 12 बोर तमंचा सहित अर्धनिर्मित असलाहे बरामद किए। साथ ही असलाहा बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पूरे मामले को पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन के मीटिंग हॉल में पीसी कर मामले को बताया और थाना मझगुआ पुलिस के इस सराहनीय कार्य को देखते हुए 5000 रुपये का इनाम भी दिया। देखिए, जिन्नावीरा गांव पड़ता है थाना मझगुआ क्षेत्र में, यहां पे सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध असलाह वहाँ पर बना रहे हैं। इसी पे थाना मझगुआ के इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम यहां पे गई और इन्होंने चारों तरफ से खेत को जब सर्च किया गया तो उस खेत में, गन्ने के खेत में, इनको 3 लोग वहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं। एक मूलचंद और गुल्लू है, एक फूल सिंह और कुल्लू, और एक राजू विश्वकर्मा। ये एक व्यक्ति थाना दरिया के रहने वाला, एक मझगवा का, एक थाना राजक्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से जब तलाशी ली गई तो बरामदगी में 2 अदद देसी बंदूक 12 बोर की, एक 315 बोर की मतलब राइफल मिली है और 3 अदद देसी तमंचा है 12 बोर के इनके पास से मिले हैं। इसके अलावा बाकी इनके पास से जो भी बनाने के जो सामान थे वो सारे सामान इनके पास से मिले हैं। और ये मूलचंद, जो मूलचंद है, इनका पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनके ऊपर पहले भी 3/25 आर्म्स एक्ट के, 5/25 आर्म्स एक्ट के 3 मुकदमे पहले से थे। 2001 में लिखा गया था, 2006 में लिखा गया था, 2012 में लिखा गया था। तो इन लोगों के पहले भी इस तरह की चीज़ें ये करते रहे हैं। और इनमें से एक व्यक्ति है जो मूलचंद है, ये राइफल और बंदूकें बनाता है, और फूल सिंह है वो बनाता है इनका तमंचे। ये काफ़ी इस तरह के लोग हैं, इनको लोग बुलाते थे और ये वहीं पे, जहाँ इनको बुलाया जाता था वहीं पे जाके ये आर्म्स बना के उनको फिर वहाँ पर दे देते थे। एक काफ़ी अच्छी एक रिकवरी थाना मझगवा के द्वारा की गई है और ये बहुत ही साथी लोग हैं और लगातार पिछले कई सालों से इस तरह का ये काम कर रहे हैं। इसलिए मैं पूरी टीम को इसमें 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार मिलता है, उससे दिया जा रहा है। और ये काफ़ी अच्छी रिकवरी है, आगे आने वाले टाइम में इस तरह के जो अवैध हथियार होते हैं निश्चित तौर पर रोक लगे। हमीरपुर से UP24 न्यूज़ के लिए जिला संवाददाता जयशंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट।